प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 11 से 15 तक को हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 11 है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी? देखिए कि जैसे जल जीव कुंड क्या होता है, जैसे आपने कई घरों में या कई दुकानों पे आपने देखा होगा, एक कांच का बर्तन होता है, ट्रांसपेरेंट बर्तन होता है, उसके अंदर ऐसे मछलियां जो है वो तैरती रहती हैं। तो उस बर्तन को हम जल जीव कुंड कहते हैं कि गोपी अपने से जल जीव कुंड के लिए दुकान से एक मछली खरीदना चाहती है। तो दुकानदार के पास क्या है? 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, और एक मछली जो है दुकानदार निकालती है उसके लिए, गोपी के लिए। तो हमें बताना कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो यहाँ देखिए कुल मछलियाँ कितनी होगी, 5 + 8 = 13। तो सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, 13। और नर मछली के अनुकूल कितने परिणाम होंगे, 5। तो नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/13। अब देखिए कि इसका आंसर कितना आ जाता है, 5/13। अब इसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे कि कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या कितनी है, 5 + 8 = 13। ओके, इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर 13। और नर मछलियां कितनी है, मछलियों की संख्या बराबर 5। तो नर मछली निकलने के अनुकूल परिणाम, क्योंकि नर की प्रायिकता निकालनी है ना हमने, नर मछली निकलने के अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या 5 होगी। अब पी नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या होगी कि 5/13। यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिख दो, पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। आगे प्रश्न नंबर 12, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा, यह तीर इंगित 8 को करेगा। सेकंड है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा या 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो देखिए कि ये 8 तक संख्याएं लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये एक तीर है। जब इस तीर को हम घुमाते हैं तो ये किसी भी संख्या पर आकर के रुक जाता है, और किसी भी संख्या पर रुक आकर के इंगित करना जो है वो क्या है, संप्रायिक घटना है। तो देखिए यहाँ पर 1 से 8 तक संख्याएं हैं तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब
संख्या आठ को इंगित करना। संख्या आठ यहाँ कितनी बार आई है? संख्या आठ तो एक ही बार आई है, तो आठ के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? एक। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? आठ। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक बटे आठ, अनुकूल बटे टोटल। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब विषम संख्या यहाँ पर कौन कौन सी है? एक, तीन, पाँच, सात। एक, तीन, पाँच और सात। तो विषम संख्याएं जो है वो कितनी होगी? टोटल एक, दो, तीन, चार विषम संख्याएं होगी। और कुल कितनी है? आठ। चार बटे आठ का मतलब एक बटे दो। तो एक विषम संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? एक बटे दो। अब दो से बड़ी संख्या को इंगित करता है। अब दो से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी? दो से बड़ी का है, इसमें तो दो शामिल नहीं होगी, इसमें ध्यान रखना। दो से बड़ी में तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, यानी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः संख्याएं दो से बड़ी संख्या की घटना के अनुकूल होगी। तो अनुकूल छः होगी, टोटल आठ होगी। तो बस इसको कट कर लेंगे, तीन दुनी छः और चार दुनी आठ, तो तीन बटे चार जो है वो दो से बड़ी संख्या की होगी। नौ से छोटी संख्या को इंगित करेगा। सारी संख्याएं जो नौ से छोटी है, तो आठ के आठ परिणाम क्या है? इसके अनुकूल है, टोटल भी क्या है? आठ। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाती है? वन। और वैसे भी ये क्या है? निश्चित घटना, तो इसकी प्रायिकता क्या होनी है? एक होनी है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, समझ में आने के बाद लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सभी संभव परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे कि सभी संभव परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या आठ। फर्स्ट संख्या आठ, संख्या आठ केवल एक ही बार है, केवल एक ही बार है, इसलिए संख्या आठ के अनुकूल परिणामों की संख्या, आठ के अनुकूल कितने परिणाम होंगे? एक ही परिणाम होगा। और P आठ इंगित होना, आठ इंगित होना के अनुकूल कितने? एक। और कुल कितने हैं? आठ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एक बटे आठ। और यहाँ पर फार्मूला लिखना है पी ई का, बस फार्मूला एक ही बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट में एक विषम संख्या होना। तो अब विषम संख्याएं कौन सी हैं यहाँ पर? विषम संख्याएं हैं एक, तीन, पाँच, सात। एक, तीन, पाँच, सात। तो विषम संख्याओं के, विषम संख्याओं के अनुकूल परिणामों की संख्या, विषम संख्याओं के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? एक, तो तीन, चार होगी। तो पी विषम संख्या, पी विषम संख्या कितनी होगी? चार। तो ये है अनुकूल। और कुल कितने हैं? आठ। तो चार बटे आठ अर्थात एक बटे दो। अब तीसरा, दो से बड़ी संख्याएं, दो से बड़ी संख्याएं, दो से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है? तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। तो दो से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अब दो से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम, दो से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम बराबर छः हो गए। अब
पी दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या की प्रायिकता। अनुकूल तो कितने हो गए, छः, और कुल कितने, आठ, तो छः बटे आठ, दो तीये छः और दो चौके आठ, यानी तीन बटे चार आ गया। अब चौथा और लास्ट पार्ट है, क्या कहता है कि नौ से छोटी संख्या, नौ से छोटी संख्या है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब नौ से छोटी संख्याएं प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम बराबर आठ, पी नौ से छोटी संख्या, नौ से छोटी संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल बटे टोटल एक आ जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर सिंपल भी लिख सकते हो, क्योंकि नौ से छोटी संख्या प्राप्त करना एक निश्चित घटना, इस देश की प्रायिकता एक होगी। आगे प्रश्न नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, दूसरा है दो और छह के बीच की कोई संख्या, और तीसरा है एक विषम संख्या। देखिए, एक पासे के ऊपर कुल छह संख्याएं होती है, एक दो तीन चार पांच और छह। तो देखिए, कुल संभव परिणाम मौखिक संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, छः। अब पासे पर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, दो तीन पाँच। अब एक न तो भाज्य है, न ही अभाज्य है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, दो तीन और पाँच। तो अभाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्याएं प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, परिणामों की संख्या एक दो तीन, और अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता भी अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, तीन एकम तीन, तीन दुनित से एक बटे दो। और यहाँ पर इसका आप क्या लिखोगे, सूत्र लिख दोगे, पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब इसी तरह से दो और छः के बीच स्थित कोई संख्या, दो और छः के बीच, यानी इसका मतलब आपने दो और छः नहीं लेना है, इनके बीच की संख्या लिखनी है। तो दो और छः के बीच की संख्या कौन कौन सी होगी, तीन चार पाँच, तो इसके अनुकूल परिणाम कौन कितने होंगे, एक दो तीन। ठीक, और प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल बटे संभव तीन बटे छः। लैंग्वेज आप ठीक उसी तरह से लिखोगे, अभाज्य संख्याओं की जगह दो और छः के बीच की कोई संख्या, यहाँ लिखोगे पासे पर दो और छः के बीच की संख्याएं तीन चार पाँच, और दो और छः के बीच की संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या तीन, और पी दो और छः के बीच की संख्या तीन बटे छः, काट के एक बटे दो कर लोगे। ठीक, इसी तरह से तीसरा पार्ट भी आसान है, इसको भी आप कर सकते हो। एक विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी, यहाँ पर एक तीन पाँच। ठीक, तो यहाँ पर भी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तीन, कुल संभव परिणाम कितने हैं, छः, तो तीन बटे छः यानी एक बटे दो जो है इसका आंसर आ जाएगा। लिखने का स्टाइल वही रहेगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। ओके, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 14,
52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह। देखिए, ये प्रश्न करने से पहले आपको ताश के पत्तों का ज्ञान होना चाहिए, जो वैसे तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बता दिया था, फिर भी 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ मैं। कि देखिए, ताश के पत्तों में 4 ग्रुप होते हैं, जिसपे ये वाला निशान होता है हुक्म, ये वाला निशान चीड़ी, ये ईंट और ये पान। अब देखिए, हरेक ग्रुप के अंदर 13 पत्ते होते हैं, तो 13 चौके 52 पत्ते जो टोटल ताश में हो गए, और इनके ऊपर जो है देखिए 2 से लेकर के 10 तक लगातार गिनती है, वन की जगह ए है, ए को इक्का बोलते हैं, ये इक्का है, आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है, इसको दस को दहला भी बोल देते हैं, 9 को नहला भी बोल देते हैं, 2 को दुग्गी, तिग्गी, चुग्गी, इस तरह से इनके नाम है जो आप संख्या से समझ जाएंगे अगर बुक में या प्रश्न में कुछ ऐसा आता है तो। इसके अलावा जेफ और गुलाम होता है, और क्वीन रानी है ये, और ये एक बादशाह राजा है। तो सेम टू सेम ऐसे 13 पत्ते इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें। तो लास्ट वाले 3 पत्ते जो हैं इनको तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं, तो तस्वीर वाले 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 पत्ते तस्वीर वाले हो जाते हैं। ओके, और अब इस तरह से देखिए कि इसके अंदर भी वही है, सेम टू सेम 13 पत्ते, और इसमें भी सेम टू सेम वही 13 पत्ते हैं, लास्ट में वही 3 फेस कार्ड है, तस्वीर वाले पत्ते हैं, और इसमें भी वही पत्ते हैं, लास्ट में 3 तस्वीर वाले पत्ते हैं, बाकी वही 1 नंबर पे इक्का है, बाकी 2 से 10 तक। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। अब 26 पत्ते काले हैं और 26 ही लाल हैं। अब यहाँ पर कहता है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह यहाँ 2 में मिलेंगे। ठीक, लाल रंग के बादशाह की अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है तो लाल रंग के बादशाह के अनुकूल कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल कितने हैं, 52 हैं, तो 2/52 यानी 1/26 हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, 1 फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते देखिए कि 3 तो लास्ट में इसमें है, ओके, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं, 12 हैं, ओके, और सभी कितने हैं, 52, तो 4 पे कट जाएगा, 4 3 12 और 13 चौके 52, 3/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला भी और लाल भी, तस्वीर वाला 3 इसमें है, 3 इसमें, तस्वीर वाले हो गए 6 और टोटल हो गए 52, 2 पे कटेगा, 2 3 6 26 2 52, 3/26 जो इसका आंसर आ जाएगा। पान का गुलाम, पान का गुलाम एक ही है, ठीक, क्योंकि एक ग्रुप में, जैसे पान एक ग्रुप है, एक ग्रुप में एक ही इक्का होगा, एक ही दुग्गी होगी, एक ही बादशाह, एक ही गुलाम, एक ही बेगम, तो पान एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप में एक ही गुलाम होगा, टोटल कितने पत्ते हैं, 52, तो 1/52 इसका आंसर आ गया। हुक्म का पत्ता, हुक्म के टोटल कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, और वैसे पत्ते कितने, 52, तो 13 × 13, 13 चौके 52, 1/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ईंट, एक ईंट की बेगम, ईंट एक ग्रुप है, एक ग्रुप में एक ही बेगम मिलेगी, 1/52, ओके। तो इस तरह से आप इसको आसानी से ताश वाले समझा हो कर सकते हो। तो अच्छी तरह से फेंटी गई ताश का मतलब क्या है कि इनको जैसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, मिक्सिंग का मतलब होता है फेंटी गई ताश, ओके।
वैसे तो आप समझ गए होंगे इसको। लिखने का तरीका देखिए, मैं एक क्वेश्चन का बता देता हूँ कि लाल रंग का बादशाह, तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम मो की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 52, क्योंकि कुल 52 पत्ते हैं। ठीक, तो पहला, लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल रंग के बादशाह कितने? 2 ही है, एक ईंट में और एक पान में। और पी लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, 2 × 26 × 52 यानी 1/26 आंसर। इसी तरह से आप सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ तक पार्ट जो है उनके लिख सकते हो। ये कुल संभव परिणाम तो आपने एक ही बार लिखना है। अब लिखोगे एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? 12। कुल संभव परिणाम 52 होएगा, तो इसलिए पी एक फेस कार्ड बराबर ये। ठीक है, इसी तरह से बाकी आप इसके आसानी से लिख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको समझा दूंगा। आगे प्रश्न नंबर 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह, रिक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ 5 ही पत्ते लिए गए हैं, पूरी गड्डी नहीं ली गई है ताश की। तो अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। तो देखिए, बेगम है कितनी? एक ही तो है, तो कुल पत्ते कितने? 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम ये कहेंगे कि सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, 5 पत्ते तो 5 ही होगी। अब पहले में पूछा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। तो एक बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या, बेगम एक है तो अनुकूल एक ही हो गया, और एक बेगम मारने की प्रायिकता, एक बेगम की प्रायिकता जो है वो बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। बेगम के अनुकूल कितना? 1, और सभी संभव कितने? 5, तो 1/5 जो इसका आंसर आ गया। तो सीधा 1/5 लिख के आगे सिंपल सूत्र लिखते हैं, वो भी ठीक माना जाएगा। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा। अब देखिए, 5 पत्ते हैं, ये 5 में से बेगम निकाल दी बार आउट, अब कितने पत्ते बचे? 1, 2, 3, 4, तो सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या होगी 4। क्यों? क्योंकि बेगम बाहर निकाल दी गई है, बेगम अलग रख दी गई है। ओके, अब इक्के के अनुकूल परिणाम, एक इक्के के अनुकूल परिणामों की संख्या,
इक्के के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? इक्का कितना? एक ही है, एक है तो एक हो जाएगी, और पी एक इक्का निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल बटे संभव, ओके, एक बटे चार हो जाएगा। अब इसी का बी पार्ट क्या कहता है कि एक बेगम, बेगम तो आपने अलग रख दी, अलग रख दी तो यहाँ से कहाँ से निकलेगी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेगम के अनुकूल परिणाम, बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर जीरो, पी एक बेगम कितना होगा? जीरो बटे संभावित चार हो गया, जीरो हो जाएगा इसका, ठीक। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।